हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। यामाहा वर्ल्ड की लीडिंग मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और एक बहुत पॉपुलर ब्रांड भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में यामाहा पियानो बनाया करती थी? ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातें यामाहा के बारे में मैं आपसे करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड कीप वॉचिंग। यामाहा कॉरपोरेशन फॉर्म हुई 1887 में। ये कंपनी तब पियानो और अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंपनी ने अपनी मेटलर्जी की एक्सपर्टीज की वजह से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। 1954 में YA1 नाम की पहली मोटरसाइकिल, जो एक 125 सीसी की बाइक थी, ये लॉन्च हुई। ये बाइक जर्मन DKW मोटरसाइकिल पर आधारित थी। इस बाइक की सक्सेस के बाद यामाहा मोटर कंपनी फॉर्म हुई 1955 में। शुरू से ही यामाहा ने रेसिंग में अपना नाम बनाया था। 1963 में यामाहा ने पहली ग्रैंड प्री जीती, जो 250 सीसी क्लास की थी। 1965 में पहली बाइक जिसमें एक सेपरेट ऑयल टैंक था, वो लॉन्च हुई। फिर 1967 में पहली 350 सीसी बाइक लॉन्च की, जिसका नाम था R1। 1968 में पहली 4-स्ट्रोक मोटरसाइकिल कंपनी ने लॉन्च की XS1। ये 650 सीसी की ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल थी। XS1 ने तब कम्पीट किया ट्रायम्फ बोनेविल और BSA गोल्ड स्टार जैसी ब्रिटिश बाइक्स के साथ, जो उन दिनों की सबसे पॉपुलर और प्रीमियम बाइक्स मानी जाती थी। यामाहा ने 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक दोनों मोटरसाइकिल्स बनाए। इनफैक्ट 4-सिलेंडर 4-स्ट्रोक मोटरसाइकिल यामाहा ने काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस किया 1976 में, जिसका नाम था XS1100। ऑफ रोड बाइक्स में भी यामाहा ने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया था 1970s में ही। आजकल बाइक्स में जो सिंगल रियर सस्पेंशन आता है, जिसे मोनोशॉक कहते हैं, ये यामाहा ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट मोनोशॉक भी यामाहा का ही ट्रेडमार्क है। यामाहा की पॉपुलर मोटोक्रॉस बाइक YZ250 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जो यामाहा की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है। 1980s में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने 2-स्ट्रोक से 4-स्ट्रोक बाइक्स की ओर रुख करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एमिशन नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे थे। लेकिन यामाहा ने 2-स्ट्रोक बाइक्स बनाना जारी रखा और 2-स्ट्रोक टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट्स ये कंपनी करती रही। इंडिया में यामाहा की एंट्री हुई 1984 में, जब एस्कॉर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन में 70s की पॉपुलर फास्ट बाइक RD350 को इंडिया में लॉन्च किया गया। इसे इंडिया की फर्स्ट सुपर बाइक भी कहा जाता है। लेकिन यामाहा की पहचान इंडिया में बढ़ी जब कंपनी ने 1985 में लॉन्च की यामाहा RX100। RX100 100 सीसी की 2-स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी और इसका परफॉर्मेंस लाजवाब था। बहुत जल्द ये मोटरसाइकिल पॉपुलर हो गई और हर एक यंग बाइकर का सपना बन गई। उसके बाद बहुत सी बाइक्स यामाहा ने इंडिया में लॉन्च की, जैसे क्रक्स, लिबेरो और एंटाइसर। मगर ये बाइक्स RX100 की पॉपुलैरिटी और सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए। लेट 90s और अर्ली 2000s का जो दौर था, यामाहा के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। जहां एक तरफ CBZ, करिज्मा और पल्सर जैसी मोटरसाइकिल्स पॉपुलर हो रही थी, यामाहा के लिए कोई बाइक को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर 2008 में कंपनी ने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिन्होंने यामाहा को फिर से पॉपुलर बना दिया। ये बाइक्स थे R15 और FZ16। ये दोनों ही बाइक्स 150 सेगमेंट में लॉन्च हुए थे। R15 के 3 जनरेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और FZ16 अब FZ कहलाती है, और इसमें भी काफ़ी जनरेशन चेंजेस आए हैं। FZ की सक्सेस के बाद कंपनी ने 2017 में FZ25 यानी 250 सीसी मोटरसाइकिल भी लॉन्च की और R15 का नेकेड वर्जन MT15 भी लॉन्च किया। यामाहा ने स्कूटर्स भी लॉन्च किए, जैसे फसिनो और RZR, लेकिन FZ यामाहा की सबसे पॉपुलर मॉडल है इंडिया में। यामाहा ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से शुरुआत की थी, इसलिए इसका लोगो भी 3 ट्यूनिंग फोक्स से बना है। यामाहा के काफी मॉडल्स वर्ल्ड वाइड आइकॉनिक बन गए, जैसे YZ250, RD350B जो इंडिया में भी लॉन्च हुई थी, RZ350, VMAX और YZF1000R1। रेसिंग में यामाहा वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है और 39 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इसके नाम है। कई सारे वर्ल्ड चैंपियन राइडर्स यामाहा के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, जैसे केनी रॉबर्ट्स, जॉर्ज लॉरेंजो और सबके फेवरेट वैलेंटिनो रॉसी, जो 9 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। यामाहा दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी पियानो, गिटार और कीबोर्ड सिंथेसाइजर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। वहीं यामाहा मोटर कंपनी मोटरसाइकिल्स के अलावा स्कूटर्स,
ATVs, snowmobiles, boats, go-kart engines, generators इत्यादि बनाती है। आज यामाहा वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है। तो ये थी कहानी यामाहा की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ एंड टेक केयर।